दोस्तों आदाब, पसमंजर न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं वजात बुखारी और आपको दिखा रहे हैं खूबसूरत सा मशायरा। ये मशायरा अकादमी ऑफ आर्ट कल्चर एंड लैंग्वेजेस और डिस्ट्रिक्ट पुलिस पुंछ के इश्तराक से DPL पुंछ में मुनक्कद हुआ। ये बेहतरीन इसमें रंगारंग प्रोग्राम भी पेश किए गए, वहीं मौसीकी के भी खसूसी प्रोग्राम पेश किए गए। आइए आपको दिखाते हैं DPL पुंछ से पसमंजर न्यूज की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। रोड़ ना रहना दिल चला के लोड़ ना रहना, लख समझाया गल ना बुझे कन्ना साहब, लख समझाया गल ना बुझे ओ टुटिया शीशा जोड़ ना रहना, इश्क दी मुंदरी मेच ना अच्छा जोरे अंगला सोड़ ना रहना, इश्क नी मुंदरी मेच ना अच्छा जोरे अंगला सोड़ना रहना, दिल ते जिद्दी बच्चा गुलशन, दिल ते जिद्दी बच्चा गुलशन छावलियां पीछे दौड़ना रहना, किसी की बेजुबानी काटती है, किसी की बेजुबानी काटती है, कोई शोला बयानी काटती है। और इस शेर के लिए पेश किया, कोई शोला बयानी काटती है, कभी बेरी कभी सुनकर बहू की मेरी माँ जिंदगानी काटती है, मेरी माँ जिंदगानी काटती, कभी सुनकर बहू की मेरी माँ जिंदगानी काटती है। और अभी तक बह रहा है क्या वो दरिया, अभी तक बह रहा है क्या वो दरिया, मुझे जिसकी रवानी काटती है। और कई सदियां हैं गुजरी आज भी क्यों वही तश ना दहानी का, सिरा पे कदम कभी नहीं थकते, कट जाते हैं शीश मगर शत्रु के सन्मुख नहीं झुकते, कट जाते हैं शीश इनके शत्रु के सन्मुख नहीं झुकते, एक निभाना आता है इनको वचन जो खुद से किया इन्हें, माँ का आंचल छू ले कोई मिटना या मिटाना है, सत्ताधारी सुन ले खैर नहीं ये निश्चित जानो, सत्ताधारी सुन ले खैर नहीं ये निश्चित जानो, सियासत नहीं शहादत पर होगी चाहे मानो या ना मानो, चाहे मानो। जना जिसे ने काराली ने या कल बोल सुनाई कि पलजी लोकी रात में ना पैड़ी खा के आई, के देखो के ख्वाब कभी तो हूँ हो गए बंदो, आंध कमांडू ने आज मनी नहीं दे मीना या बंदो, आपो तीजा जवाब चंगेरो कर मंजूम सुनाओ, चिर चुकती है तम दुनिया भर हूँ रंडी। बिकता है सोना है, यहाँ सब कुछ बिकता है, फिर किस ओर चले, हर ओर है अफरा तफी, नहीं दिखता कहीं और अमन, आ अब किस ओर चले, आ उस ओर चले, जहाँ बिकती हो ना धरती ना बिकता हो गगन, आ उस ओर चले, आ उस। उसने कहा सच्ची घर में, उसने कहा हाँ घर में, उसने कहा मिक्सर चला के बताओ, उसे मिक्सर चलाई ट्री ट्री, कहती है शाबाश घर में हो। फिर उसे शाम को फोन किया दूसरे दिन भी, जब उसको शक पड़े कि ये कहीं गया होगा, वो फोन करती है कहाँ हो, उसने कहा घर में हो, उसने कहा घर में हो तो मिक्सर चला के बताओ घर में, वो मिक्सर चलाता ट्री ट्री। तीसरे दिन वो अचानक घर में आई, एक एज ए सरप्राइज विजिट उसने दिया, वो आगे दिखती है कि हस्बैंड नहीं खाली नौकर बैठा है, उसने कहा कि मेरे पति जान कहाँ है, उन्होंने कहा वो तो मिक्सर लेकर उसी दिन निकल गए थे। ये न देखो चलता फिरता और हंसता कौन है,
ये करो तहकीक इन लाशों में जिंदा कौन है, और एक मैं के जिंदगी भर रोशनी देता रहा। मौन साहब, एक मैं के जिंदगी भर रोशनी देता रहा, वरना गैरों के लिए खुद को जलाता कौन है, वरना गैरों के लिए खुद को जलाता कौन है। और वही आंसू तो मेरा मोतबर है, वही आंसू तो मेरा मोतबर है जो पलकों पे ठहरता डोलता है, जो पल ये आशियां ये गुलस्ता तेरा भी है मेरा भी है, वो अर्ज़े वतन हिंदोस्ता तेरा भी है मेरा भी है, ये आशियां ये गुलस्ता तेरा भी है तो इस मुल्क की तहजीब तो मेरी भी है तेरी भी है, इस मुल्क की तहजीब तो मेरी भी है तेरी भी है, वो तारीख में नामो निशान तेरा भी। क्यों करना आते अश्क मुझे उसके हाल पर, मैं जिससे मांगती थी वो हारा हार कर भी मुझे मात दे गया, वो हारा हार कर भी मुझे मात दे गया, अपने ही शहर में मुझे हुक्मे सलीब था, कैसे छुपाता जख्मे जिगर उस वजूद से, कैसे छुपाता जख्मे जिगर उस वजूद से जो अरसाए दराज से अपना तबीब था। जो आईना जो है बाथरूम से तुम बाहर निकले हो तो दाई तरफ दीवार में आईना लगा है, मैंने जब आईना देखा तो मैंने सोचा यार ये तो अंधा आदमी है, इसने आईना क्यों लगा रखा है, तो मैंने उसे कहा भाई तुम तो अंधे हो, तुमने क्यों आईना अपने घर में लगा के रखा है, तो कह लगा मैं तो अंधा हूँ, मेरे दोस्त थोड़ा अंधे हैं, मेरे यार अंधे नहीं है, यारों के लिए लगा के रखा है। चलिए खुसूसी तवज्जो चाहूंगा हजरात की, अपने घर के अंदर झांको, पुख्ता हर दीवार करो, वक्त के तेवर ठीक नहीं है, हर सरहद मत पार करो। क्या बात है, अपने घर के अंदर झांको, पुख्ता हर दीवार करो, वक्त के तेवर ठीक नहीं है, वक्त के तेवर ठीक नहीं है, हर सरहद मत पार करो, और ताबिश बीत गए वो दिन जब तलवारें टकराती थी, पहले जंग का मतलब समझो फिर दुश्मन पे वार। यकीनन पुंछ के वो पुराने दौर याद आए, और जिस अंदाज से पुंछ में इस तरीके से प्रोग्राम हुआ करते थे उनकी याद दिला दी, तो हमें उम्मीद है कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन इससे भी बेहतर प्रोग्राम जो है वो पुंछ की आवाम के लिए करेगी, ताकि लोगों में जो है जो कल्चर और ख़ासकर मौसीकी और शायरी के ये तमाम तर जो गुण पुंछ में मौजूद हैं इन्हें और ज़्यादा से ज़्यादा उभारा जाएगा। खुदा हाफिज़।